सो हे गाइस, दिस इज़ योर होस्ट जावेद एंड हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने फ्री फायर के कुछ रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। गाइस, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो वॉच कर लेना। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई लोग, आजकल रैंक पुश करना बहुत ही आसान है। बच्चे लोग भी कर लेते हैं, हीरोइक आराम से पुश, आजकल मास्टर भी मान लेते हैं। तो गाइस, रैंक पुश करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस, पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से हम लोग को, मतलब भाई क्या खेलना चाहिए रैंक पुश के लिए। सोलो खेले, स्क्वाड खेले, डुओ खेले, क्या खेले भाई। तो मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप लोग स्क्वाड में खेलो, क्योंकि सोलो में भाई क्या होता है कि अगर सोलो में एक चीज़ का एडवांटेज भी होता है एंड डिसएडवांटेज भी होता है। तो गाइस, आज हम लोग पहले सोलो की बात करेंगे, ठीक है। तो सोलो रैंक पुश करने के लिए आपको सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें एक फायदा होता है कि अगर आपको कोई किल कर दे तो आप तो खत्म हो जाओगे एंड सामने वाले को भी किल कर दोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या बोल रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई, इसका मतलब ये है कि इसमें रिवाइवर पॉइंट तो नहीं होता ना भाई, तो आपका इसमें ज़्यादा टाइमिंग वेस्ट नहीं होता। अगर आप अच्छा खेलना जानते हो तो आप लोग आराम से पुश कर सकते हो सोलो में। बट यहाँ पे अगर आप सोलो में खेलते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सर्वाइविंग में जहाँ तहाँ से बंदे आपको देते हैं भाई। अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक तो आपके लिए भाई सोलो नहीं है यार, आप लोग स्क्वाड में खेल सकते हो। तो गाइस, सोलो के हम लोग कुछ अभी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि भाई इतना खतरनाक है कि आप लोग आराम से रैंक पुश कर सकते हो। सो गाइस, फर्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें आपको लेना है मोको को, मीसा कैरेक्टर एंड यहाँ पे आप ले सकते हो या तो वोकोंग भी ले सकते हो गाइस, चलेगा। एंड आपको यूज़ करना है मैक्सिम का। तो इन लोगों का काम क्या है गाइस, मैक्सिम आपको मशरूम एंड मेडी लगाने में बहुत हेल्प करेगा। आप लोग फास्ट मेडी लगा सकते हो, तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है रैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मुझे डैमेज पड़ा था भाई, यहाँ पे मैं ग्लू लगाया एंड गाइस एक मेडी भी लग गया, देखा कितना जल्दी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है भाई मैक्सिम का, ठीक है, मैक्सिम आपको ज़रूर लेना है, ठीक है। एंड गाइस, मैंने बोला आपको यहाँ पे आप लोग अगर व्हीकल यूज़ करते हो तो आपके लिए मीसा बहुत ही अच्छी है। बाइक से आप लोग जहाँ तहाँ जा सकते हो, सोलो में इसका बहुत दरकार होगा, ठीक है। तब बात करते हैं गाइस अपने सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में गाइस। सो गाइस, हम लोग का जो सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, आपको सब कुछ सेम लेना है। बस आपके पास अगर आलोक है तो आप लोग आलोक ले सकते हो, ठीक है। आलोक आपको HP दिलाने में मदद कर सकता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो उसके जगह आप लोग वोकोंग भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग इसके जगह लुकिता को भी ले सकते हो। लुकिता किल करने पर आपको HP देता है। एंड गाइस, अगर आपको जून के बाहर सरवाइव करना है तो आप लोग आलोक के जगह के कैरेक्टर लो भाई, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, आपको दो जून ऐसे ही सरवाइव करा देगा। बट आप चाहते हो कि दो जून से भी ज़्यादा आप लोग सरवाइव कर पाओ तो उसके लिए भी एक और गजब की कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। मतलब जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जो मैं गलती से निकल जाता है भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। सो भाई लोग, आपको इसके जगह कौन सा कैरेक्टर यूज़ करना है मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने किस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बोला, आप लोग समझ ही गए होंगे। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से आप लोग भाई जून से आराम से मतलब सरवाइव कर सकते हैं। 25% कम HP काटता है जून के बाहर, ठीक है, अगर आप उस कैरेक्टर को लेते हो तो, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस, सारे कैरेक्टर ज़्यादा करके गोल्ड में ही है, तो आप लोग गोल्ड कैरेक्टर से भी आराम से रैंक पुश कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एंड आपको एक बोनस टिप्स दे दूँ भाई लोग, किसी ने अभी शायद बोला ही नहीं होगा कि अगर यहाँ पे आपको मैं बता दूँ आप लोग कौन सा पेट लेना चाहिए अगर आप सोलो में खेल रहे हो तो। सोलो में आप दो पेट का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप लोग ले सकते हो भाई वेगर ले सकते हो, या फिर आप लोग फॉलक्रो भी ले सकते हो, ठीक है, दो में से एक आप लोग ले सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से इसके बाद आप लोग रैंक में सपना कर सकते हो गाइस। तो आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छी लगी होगी। एंड गाइस, मैं प्रेफर क्यों करता हूँ भाई स्क्वाड में, क्योंकि भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे ख़त्म हो जाता हूँ, बट मेरे तीन बंदे लाइव रहते, ठीक है, जहाँ से वो लोग मुझे आराम से रिवाइव कर सकते। एंड रिवाइव करने के बाद भाई आराम से तो भाई रैंक पूछ भी हो जाएगी। एंड गाइस, फाइट लेने की
बात की जाए कि कब फाइट लेना चाहिए, तो आपको शुरुआत में एक सेफ प्लेस यूज़ करना चाहिए, यानी आपको हमेशा ही स्कैनर लेकर रहना है, देखना है जब लास्ट वक्त हो, ठीक है, देखना है टोटल कितने बंदे बचे, उस वक्त आपको जंप लगाना है एक सेफ एरिया के पास, ठीक है। वहाँ से आप लोग जंप लगा के आराम से भाई लोग सर्वाइव करना, टॉप 15 तक सर्वाइव करने के बाद गाइस वहाँ उसके बाद आप लोग फाइट ले सकते हो, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए कभी सोलो वीस स्क्वाड, तो आराम से भाई बैठे रहना, सर्वाइव करना, जैसे यहाँ पे मैं हूँ, एंड बंदा अगर आता है तो आपको आराम से मारना है, ठीक है, उसके बाद आप लोग लूट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है रैंक पुश करना, यहाँ पे हम लोगों ने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताई, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना मेरे भाई। एंड गाइस सोलो की एक और गजब की ट्रिक मैं बता दूँ आप लोग को, बहुत सारे लोग सोचते भाई कैंप करने कहाँ जाए, तो भाई आप लोग मार्स इलेक्ट्रिक जा सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लेस है, वहाँ पर अक्सर करके हम लोग सर्वाइव करते हैं, ठीक है। मार्स इलेक्ट्रिक आपको बस एकदम प्लेन के आखिर वाले जगह पे देखने हैं, वहाँ आसपास में बहुत सारे लोग तो पानी में भी लैंड कर जाते हैं भाई, मगर पानी में लैंड करके क्या होगा। तो गाइस कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपको दिया सोलो का, तो गाइस सोलो का मैं आपको प्रेफर तो नहीं करूँगा, बट अगर आपको सोलो में रैंक पुश करना है तो कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाने वाले हैं कि हम लोग डुओ में रैंक पुश कैसे करें, ठीक है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बस जाके बाकी यार वीडियो चेक करते रहना। तो चलो बाय बाय।